ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिक्सी ओपी भाई का एक ट्रेनिंग चैलेंज, जिसके लिए तुम्हें इस बॉट वाले ट्रेनिंग में आ जाना। रूल्स बहुत सिंपल है, कोई हेलमेट नहीं है, कोई वेस्ट नहीं है, कोई हीलिंग नहीं है, एक M4 उठानी किसी भी अटैचमेंट की, और हमें लेवल 3 की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो लेवल 3 की ट्रेनिंग इसलिए स्टार्ट करनी है क्योंकि लेवल 3 में जो बॉट्स आते हैं वो तुम्हारे सिर्फ हेड पे डैमेज लेते हैं और वो अपना लेवल 3 का हेलमेट पहन के रखते हैं। तो तुम्हें 3 हेडशॉट मारने पड़ेंगे हर एक बॉट को मारने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चलता है कि इन बॉट्स के साथ आपको 1v1 फाइट जल्दी से नहीं लेनी है, क्योंकि इनका एम बहुत अच्छा है, ये आपको सीधा बर्स्ट मारेंगे। तो बॉटों के साथ घमासान यूज करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। तो मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूं और देखो मैं इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट करता हूं और कितने टाइम में कंप्लीट करता हूं, तुम आगे देखो। और जो लोग बिक्सी ओपी को नहीं जानते, गो चेक हिम आउट, बहुत अमेजिंग कंटेंट वो डालते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड और गेम प्लेस के रिलेटेड, इवन ट्रेनिंग ड्रिल्स के रिलेटेड, बहुत अमेजिंग वीडियो उनकी रहती है। तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इसको मैं FPP पूर्ण करके मारता हूं ताकि ज़्यादा डैमेज ना दे पाए। कि ये वाला बॉट हमेशा AFK ऐसा रहता है तो इसे मारना बहुत इजी रहता है। अब वेव 3 स्टार्ट होने वाली है तो मैं फटाफट इस कॉर्नर पे आ जाता हूँ ताकि मुझे जल्दी से कोई स्पॉट ना करे, क्योंकि अगर ये बॉट्स आपको स्पॉट कर लेंगे तो ये बहुत तेज बर्स्ट मारते हैं और उस बर्स्ट से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसी हेड पे आता है। तो फटाफट इन्हें खत्म करते हैं ताकि अपनी वेव जल्दी क्लियर हो। और यहाँ मैं ये मिस्टेक करता हूँ कि दोनों के सामने जंप कर देता हूँ, तो फटाफट वहाँ से निकलता हूँ और फटाफट से इन्हें हेडशॉट देता हूँ। ये गए अपनी वेव 3 और अब अपनी वेव 4 स्टार्ट होने वाली है जो कि थोड़ी टफ रहती है, बट लकीली ये दोनों मुझे एक ही जगह मिल जाते तो इन्हें जल्दी जल्दी हेड दे देता हूँ। अब थोड़ी सी हेल्थ कम है तो इसको जल्दी से क्राउच करना पड़ता है मुझे, क्योंकि इसका अगर मुझे हेडशॉट लग जाता तो ये एक ही बार ही मुझे ये निपटा देता। बाकी लास्ट बंदा इसे 3 हेडशॉट मार देता हूँ और मेरा चैलेंज हो जाता है कंप्लीट। तो गाइस देखो, ये चैलेंज मैंने 1 मिनट 45 सेकंड्स में कंप्लीट किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे ट्राई करो और बताओ मुझे कि तुम ये रिकॉर्ड तोड़ पाते हो कि नहीं। आई नो बहुत लोग तोड़ देंगे इसे 50 सेकंड में भी कर देंगे, कुछ लोग 1 मिनट में कर देंगे, बट ये एक चैलेंज से ज़्यादा ये बहुत यूजफुल ड्रिल है, क्योंकि इसके बाद मैंने देखा मेरे एम काफ़ी अच्छा हेड पे कनेक्ट हो रहा है, मतलब हेड के बहुत पास है। तो मैं बोलूँगा कि तुम इस ड्रिल को रोज करो और देखो तुम्हारा एम कितना इंप्रूव होता है। तब तक मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया, अगर तुम यहाँ नए हो। राइट वाली में तुम्हें देखेगा मैंने अपनी M4 जब लेवल 4 पर पहुँचाई थी, और लेफ्ट वाली तुम्हें मिलेगी जो एक गेम प्ले की है, तुम उसे इन्जॉय करोगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।